तो लॉकडाउन में मुझे पता चला कि नेमसाइट भी होता है। पहले सेकेंड ईयर मैंने सोचा सेल्फ करूंगा, फिर मैंने सोचा चलो, लेकिन मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ, कोई मुझसे पूछता था तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाता। तो फिर एक दिन आप और सर और प्रतीक सर लाइव थे, तो फिर मैं फिर उनका मुझे पता है ये तो आईआईटी से करूंगा। फिर मैंने देखा कि आईआईटी कराती है क्या। चलिए एक और निमसेट टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 231 है, सचिन मौर्या जो कि यूपी से हैं और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो सचिन सबसे पहले तो आपको इलाहाबाद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा कॉलेज मिला है आपको तो। और सचिन के साथ बता दूं कि इन्होंने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव किए। तो सचिन आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या, ये बताओ कब आपने सोचा, और दूसरा ये कि फाइनल ईयर के साथ आपका मैनेजमेंट कैसा था जिससे कि आप दोनों जगह अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैं सचिन मौर्य, मेरी रैंक 231 है। मैं उत्तर बधाई हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ। और मैंने ये सबसे पहले निमसेट के बारे में, मुझे मतलब शरद सर की एक स्टूडेंट है माई सर जी के, सौरभ शुक्ला, उनसे मैंने उनसे मुझे पता चला कि वो कुछ नहीं। मैं उनकी ऑनलाइन कोर्स लिया था तो उन्हीं से पढ़ता था। पहले मैं फर्स्ट ईयर में था तभी उन्हें पता चला कि वो सर कोडिंग का कुछ पढ़ाते हैं। तो फिर मैं उनसे मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में मुझे पता चला कि निमसेट भी होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं सेल्फ करूंगा। पहले सेकेंड ईयर मैंने सोचा सेल्फ करूंगा, फिर मैंने सोचा चलो ये। फिर एक दिन सर और आप लाइव लाइव आए, तो फिर मैंने देखा कि अरे ये सर 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 के पढ़ाए सर से पढ़े हुए हैं तो बढ़िया पढ़ाते होंगे, क्योंकि ऐसा आज के ज़माने में बहुत वो है ना सर, कोई भी मतलब क्या पता कैसा पढ़ाता हो। तो इसीलिए मतलब भरोसा भरोसा करने के लिए उनका, अरे ये तो सर पढ़े हुए हैं तो बढ़िया ही पढ़ाते होंगे। फिर मैंने अप्रैल में कोर्स ले लिया था, लेकिन कोर्स मैंने वो वाला लिया था पेन ड्राइव वाला, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बनी थी। मैंने एक महीने में एलजेब्रा कर वो एक एक महीने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी, तो फिर उसमें वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सर से एक दिन बात करी, सर मेरे को ऑनलाइन में शिफ्ट कर दो। 2-3 महीने बाद मैंने उसमें शिफ्ट हो गया। मैं मतलब जुलाई में इसी टाइम पे, जुलाई के टाइम पे मैं उसमें ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। फिर मैं रोज डेली क्लास तो रोज ले लेता था, लेकिन थोड़ा सा, और सर का मटेरियल पूरा सॉल्व कर लेता था, लेकिन बस थोड़ा वैसे कोई वो नहीं थे। और मेरा वैसे एम था कि बस वो, जैसे मेरे 12th में भी अच्छे नंबर आए थे मैथ्स में, तो फिर लेकिन मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ, कोई मुझसे पूछता था तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता पाता था कि अरे ये कोई मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहा है कि मैथ के बारे में, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि भले ही चाहे नंबर नहीं आए, कभी मैं ऐसा पढ़ूंगा कि वो कई बार होता है ना प्रेशर में खराब कर देते हैं कुछ बच्चे भी। तो मैंने पहले सोच रखा था कि चलो कैसे भी रैंक आए कुछ भी आए, बट मैं ऐसा पढ़ के मतलब तैयारी करूंगा कि मेरे से कोई पूछे तो मैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकूं और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, जैसे जितने अपने मतलब 90% क्लियर कर ही दूं मैं उसका अगर। और फिर जो जो बीसीए में 4 सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए, फिर फिफ्थ के हुए, और फिफ्थ के में जैसे अप्रैल के टाइम में मेरे पेपर हुए, तो वो महीना पूरा मतलब खाली गया, मतलब उसमें मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। और फिर जुलाई से फिर से सच शुरू कर दी। देखिए जैसा अभी सचिन ने बोला कि एक तो सौरभ सर के थ्रू मेरे से कनेक्ट हुआ, ठीक है कई बार होता है ऑनलाइन कोर्स के साथ, तो वो आपका भरोसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने एक बात पे ध्यान रखा कि जो भी हो नॉलेज के लिए पढ़ाई की जाए। और मैं आप सबको बोलूंगा जब भी आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करोगे ना आपकी रैंक आ जाएगी। रैंक के लिए पढ़ाई करोगे तो आएगी कि नहीं पता नहीं, पर नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो जरूर आएगी। तो अच्छा ये बताओ आप, क्योंकि आपने फाइनल के साथ ये रैंक अचीव की है, तो जिस शहर से आप आए वहां पर कैसा माहौल है एजुकेशन को वहाँ पे लेकर? सर वैसा कोचिंग का नहीं, मतलब 12th तक तो सही है कि हाँ 12th तक में तुम्हारा अच्छे नंबर आएंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, बट और कुछ जैसे तुम आईआईटी वगैरह की कुछ ट्राई करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। पता नहीं था कि आईआईटी कुछ होता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमन होता है। तो मैं फिर आपको ये मैसेज मुझे सर इसलिए दे ये रहा नहीं हूँ। पता था कि बीसीए से ये कंप्यूटर में ये सब चीजें होती हैं। वो भाई है, भाई था मैं, मतलब ऐसे पापा कहते थे क्या करेगा तूने 12th, मतलब कोई 12th से पहले पूछता था कि क्या क्या करोगे, तो मैंने कहा अरे 12th के बाद देखिए, मतलब 12th हो जाए ना फिर देखेंगे फिर देखेंगे। फिर कुछ मतलब ऐसे कुछ देखा नहीं, और तब वो भी नहीं था, फोन वगैरह भी नहीं था मेरे पास, तो मैं ज्यादा कुछ देखता भी नहीं था। फिर ऐसे करके फिर जब वो पास हो गए, फिर सब घर वाले कह रहे अब क्या करेगा तू, अब क्या करेगा। फिर मैंने कहा मुझे खुद पता नहीं। फिर पापा कह रहे थे बीएससी कर लिए हो, पर ये नहीं पता था कि एमसीए भी हो जाता हो इसके बाद ये वो।
फिर भैया ने, भैया जिस कॉलेज में पढ़ते थे प्राइवेट में, तो उन्होंने कहा था BCA एक अच्छा कोर्स है जिसमें बच्चों को थोड़ा बहुत प्लेसमेंट वगैरह मिल जाता है। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मुझे पहले यार तो मुझे कुछ ऐसा में कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने शरद सर को जब ज्वाइन करा तो मुझे पता चला कि यार कोडिंग इस तरीके से भी करी जा सकती है। और फिर एक दिन आप और सर और प्रतीक सर लाइव थे, तो फिर मुझे, फिर उनका मुझे पता है ये तो IIT से करूँगा। फिर मैंने देखा कि IIT कराती है क्या, तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब अभी से शुरू कर दूँ। फिर मैंने कहा अरे IIT नहीं कराती है, मतलब सेकेंड ईयर तो मुझे पता चल गया था यहाँ IIT से BTEC होता है, ये सब करते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या पता कराती हो, फिर मैंने देखा फिर पता चला अरे वो तो अब कराती नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा कि जब, फिर मैंने सोचा था कि पहले वो ले लूंगा कि सेल्फ कर लूंगा इसकी का। मेरे मैथ में थोड़ा 90+ नंबर थे ना, तो थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि अरे चलो हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो वो नहीं, क्या पता नहीं कर पाऊँ मैं ऐसा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बार Air Force XY का पेपर देने गया था, मतलब उसमें बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, एक भी नहीं करा था। फिर लेकिन उसमें थोड़ा और मैं रात में पहुंचा था, और फिर उसमें सिर में दर्द और हो रहा था वहाँ पे जब पेपर देखा। मैंने कहा अरे मुझे कुछ बन ही नहीं रहा मैथ में, फिर भी जैसे जैसे करके 18 नंबर ले आया मैं 50 में से। तो फिर मैं समझ गया कि चलो अब क्या है, मैं मतलब फिर मैंने दोबारा XY का सोचा ही नहीं। फिर मैंने इसमें शिफ्ट हो गया आपका, फिर मैंने सोचा सेल्फ की कोई वो नहीं है, सर से सीख ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मतलब वो तो चलो मान लो कि 12th में हमने दे रहे हैं, क्योंकि कुछ 3-4 दिन पहले पढ़ते हैं और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मान लो 4 पढ़े हुए क्वेश्चन भी आ गए तो भी नंबर आ सकते हैं। फिर ये समझ में आया कि अरे 90 आ किसी की भी आ सकते हैं, अगर मान लो वो 10-12 दिन का भी पढ़ाए हुआ वो ही आ जाए तो 90 तो आ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो कहीं से भी आ सकता है, और कौन वो थोड़ा वो भी है। और आपके जैसे टेस्ट वगैरह होते थे तो उसमें IIT वगैरह के थोड़े क्वेश्चन आते थे, तो और ये इसमें मतलब इस पर ज़्यादा फोकस करता था कि शायद इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सर ने दिया है तो कॉन्सेप्ट इसमें बनेंगे कुछ अच्छा होगा, तो फिर ये इन पर फोकस करता था। और एनालाइज में जैसे जो 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 नहीं बनते थे ना वो वाले पहले करता था, क्योंकि मान लो वो जो शुरू से करता था तो फिर क्या होता कि जो जिनमें जिनमें सोचने वाला चीज़ होती थी ना वो मिस हो जाती थी। फिर मैं उसमें काफ़ी मतलब मान लो आधा घंटा भी लग रहा है कि क्यों नहीं बना ये, फिर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह देखता था एक ही ये क्या हुआ। तो देखो बिल्कुल सही बात बोली सचिन आपने, और सेल्फ स्कोर करी भी और नहीं भी करी ऐसा था कोई बात नहीं। ठीक है BCA में तो अब आपको एक चीज याद रखनी जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस जगह से हैं वहाँ पे अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। जैसे आपने बोला 12th में IIT नहीं पता था, BCA भी ये कर ले कि चलो जॉब लग जाएगा, MC का भी बाद में पता चला। तो जब आप अपने शहर में जाओ तब आप अपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को मोटिवेट करो, गाइड करो, समय पे अगर कोई चीज पता चल जाए तो उसके और ज्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसे मैंने कोर्स लिया फिर उसके बाद मतलब कॉलेज में बच्चों का अरे ये कुछ होता है, तो फिर सब बच्चों में मतलब फिर फोन आने लगे मेरे पास, मैंने कोर्स ले लिया था ना, उन्होंने कहा अरे तूने क्या वो, फिर पता चल गया था कि तूने कोई कोर्स लिया। मैंने कहा हाँ वो सर का लिया है, और वो कहते सेल्फ हो जाएगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट अगर सही है तो हो सकता है, वरना मुश्किल है, वरना फिर तो कोई सही बात कई बार कोई कैसा पेपर आ सकता है, जैसे कई बार टफ आ सकता है पेपर, आसान टफ आ गया तो मान लो कर भी लोगे, मतलब आसान आ गया तो कर लोगे, टफ आ गया तो क्या करोगे। तो मैंने कहा अगर ले सको तो ले लेना। एक दो बच्चों ने लिया है, और एक दो मतलब एक का वो मेरे साथ का उसके भी आगे उसने टेस्ट सीरीज ली थी, ओके तो उसकी रैंक, लेकिन अभी कॉलेज अलाउड नहीं हुआ उसे, चलो ठीक है, वो आ नहीं पाया। चलो बहुत ही अच्छी बात है सचिन, तब आप ऐसे ही आगे बढ़ो और अवेयरनेस बढ़ाओ कॉलेज में बढ़ और इलाहाबाद में भी बहुत अच्छा करके आओ। थैंक यू सर। और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर को? मैसेज सर ये देना चाहूंगा कि जब मैं पेपर दे गया तो पेपर में जैसे मतलब मैं जितने भी 64 टेस्ट दे दिए तो उसमें क्या होता था कि मैं प्लस माइनस की और ये देखने वाली जो मतलब वो रीडिंग मिस्टेक ये सब ज्यादा करता था कि +7 नहीं पढ़ा, जैसे क्वेश्चन में 7 नहीं पढ़ा उसके 8 लिख दिया, तो पूरा आसान क्वेश्चन भी मैंने गड़बड़ कर दिया, तो वो भी मैंने मतलब ये चीज़ ज़्यादा गड़बड़ करता था। और जो आप पहले से कहते थे ये गलती कम करो, और कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पर कॉन्फिडेंस, तो मैंने पेपर में भी कई बार कि दोबारा चेक कर लो थोड़ा सा कि हाँ सही करा मैंने, कैलकुलेशन नहीं करा है कि, और एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में फंस भी गया, मतलब बहुत आसान था जैसे वो होते ना बहुत ही आसान में, उसमें मैं 7 नहीं पढ़ पाया मतलब, और फिर मैं उसको बार बार करे यार लगभग 7 से 8 मिनट मैंने बर्बाद करे उसमें, तो यही थोड़ा दिक्कत बस यही। कैलकुलेशन और रीडिंग वगैरह अच्छा से करोगे तो फिर बहुत आसान लगेगा, पेपर भी बहुत आसान लगेगा। देखिए सचिन ने बिल्कुल सही बात बोली, अपनी गलतियां भी बताई जबकि इतनी अच्छी रैंक है NIT इलाहाबाद मिला है, फिर भी उसको लगता है जो चीज आपको बताई कि आप मिस रीडिंग मिस्टेक मत करो, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, इन सब बातों पर ध्यान दो तो आप भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए सचिन एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।